सिलाई क्या है? जस्ट कपड़े को काटो सियो और बस? नहीं, ये सिलाई नहीं है। टेलर वो होता है जो देखते ही पहचान जाए कि बॉडी शेप के लिहाज से कैसे लिबास को स्टिच किया जाए कि अगला बंदा देखता ही रह जाए। पहले वक्तों के हकीम होते थे ना कि नब्ज को पकड़ के ही बता देते थे कि आपको ये बीमारी है। तो वही चीज़ देखनी है, वही चीज़ सीखनी है कि सूट में कौन कौन सी बीमारी हैं जिनको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे कि आज मैं स्टिचिंग क्लास का आगाज़ कर रही हूँ। आप सबको अपनी स्किल्स सिखाने की कोशिश करूँगी, वो चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूँगी कि जो मेन हिस्सा होती हैं सिलाई का, कटिंग का। तो आइए आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिलाई कोर्स की ये पहली क्लास है। आप सबके माइंड में एक बात होगी कि सिलाई क्या होती है। सिलाई एक जस्ट कपड़े को कटिंग करें, उसको स्टिच करें और पहन लें और यहीं पे बात ख़त्म। तो नहीं जनाब, ये पहला दौर नहीं है। यहाँ मशीनें नहीं होती थी तो क्या होता था, बहुत पहले वक्तों में सुई धागे से लिबास को कटिंग किया और बना लिया, पहन लिया और लोग इतने में ही खुश हो जाते थे। जस्ट अपने जिस्म को ढांपने के लिए लिबास का जो है वो इस्तेमाल होता था। जदीद दौर है भाई, बहुत से नखरे हैं लोगों के, यहाँ से कमीज़ फूल रही है, आर्म होल ठीक नहीं है, शोल्डर से झोल पड़ रहा है, ट्राउज़र का पांचा ऊपर को उठ रहा है, मेरा तो गला पीछे को जा रहा है, मुझे कमीज़ की फ़िटिंग अच्छी नहीं आ रही। तो इन सब मसलों को हल करना है। इन सब मसलों को कैसे हल करना है, हमने इस चीज़ को समझना है, इस लॉजिक को समझना है। हर बॉडी शेप के लिहाज से हर चीज़ जो है वो डिफरेंट होती है, उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ को लेके चलना है हमने कि हम देखते ही पहचान जाएं कि ये जो बॉडी शेप है इसके लिहाज से कौन सा साइज़ परफेक्ट होगा, नेक साइज़ इसको कौन सा अच्छा रहेगा, इसका आर्म होल कितना आना चाहिए, इसके तीरा कितना आना चाहिए, घेरा इस पर कितना सूट करेगा। हमने अपने प्रोफेशन के डॉक्टर बनना है, ठीक है। हम उस चीज़ को देखें कि हाँ किस तरह से हम अपने ड्रेस को जो है, अपने लिबास को परफेक्ट बना सकते हैं। ऐसा हम क्या करें कि हमारा कस्टमर बार बार हमारे पास आए। बहादुरी ये नहीं होती कि आपने एक ड्रेस स्टिच किया और चलें जी। बहादुरी ये होती है कि बार बार वो बंदा आपके पास आए कि नहीं जी इसी से काम करवाना है, ये मेरा काम परफेक्ट करता है। कि आप उस बंदे की उस बीमारी को समझ आएँ कि कौन सी मेडिसिन ऐसी है जिससे इसका इलाज परफेक्ट होता है, इसके बॉडी पर कौन सा जो है वो साइज़ परफेक्ट बैठता है। ये चीज़ें सीखनी है हमने, क्योंकि हर बॉडी शेप डिफरेंट होती है, कोई पतला है, कोई मोटा है। तो जब हम एक ही चीज़ को लेके चलते हैं ना, एक ही शेप में ड्रेस स्टिच कर देते हैं तो हमें क्या होता है, कंप्लेंस आते हैं, मेरी तो फिटिंग नहीं अच्छी आई, कमीज़ के पीछे से बल पड़ रहे हैं, यहाँ से झोल उठ रहा है, मेरा तीरा नहीं सही आ रहा। अपने काम में माहर होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत अच्छी मशीन हो, बहुत अच्छे औजार हों। हमने बेसिक से स्टार्ट लेना है, और बेसिक से स्टार्ट लेने का मतलब है कि आम सी सिलाई मशीन के साथ ही हम काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी सीज़र नहीं है, कोई मसला नहीं है, जो भी है आपके साथ हम उसके साथ काम करेंगे। चौक अच्छे वाले नहीं हैं, कोई मसला नहीं, इस तरह की कोई भी अपने बच्चे के बैग से पेंसिल निकाल लें, काम चल जाएगा। हुनर आपके इन हाथों में होना चाहिए, सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए, फिर ही इंसान जो होता है ना अपने काम में नफासत लेके आता है। बहुत अच्छे अच्छे औजारों से या बहुत अच्छी अच्छी मशीनों से काम में नफासत नहीं आती। जब तक हम मेन पॉइंट्स को नहीं समझते, मेन चीज़ों को नहीं समझते, तब तक हम अपना काम जो है वो अच्छा नहीं कर सकते। हर इंसान अपने काम में तभी माहर होता है जब वो उसके मेन पॉइंट्स, उसकी खामियों को ठीक करने की सलाहियत रखता है, तभी वो कुछ बनता है, किसी मुकाम पे जाता है। अब यहाँ देखें जी, ये मेरे पास एक सिंपल सी सिलाई मशीन है। आम हर घर में ये सिलाई मशीन जो है वो इजीली अवेलेबल होती है, आप सबके घरों में भी होगी, हमारे जहेज़ों में भी आती है, हमारी माओं के पास भी होती है। अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो ज़रूर हमारी माओं के पास भी ये वाली मशीनें जो हैं वो होती हैं।
आपको हुनर आना चाहिए, आपको काम आना चाहिए। हम इन मशीनों पर भी जो है वो नफासत के साथ एक प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वो बहुत ही ब्रांडेड और हाई मशीनें हों, जो कि मशीनें हों तभी हम अपना काम करेंगे। नो, डिसहार्ड नहीं होना, दिल थोड़ा नहीं करना कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकती। ये देखें, ये सीज़र है मेरे पास जिसके साथ मैं काम करती हूँ। आम नॉर्मल 350 की ये सीज़र आ जाती है, बहुत हाई फाई नहीं है। आपने बस क्या करना है कि जो भी आपने सीज़र यूज़ करनी है उसको आपने तेज़ करवाना है, और उसकी ये थोड़ी सी आगे से ये जो नोक होती है ना वो शार्प होनी चाहिए, ठीक है। ये सीज़र हो आपके पास, एक अदद आपके पास ये इंची टेप हो, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं आपके पास लाजमी होनी चाहिए। स्केल नहीं है तो यार बिगनर्स हैं, कोई मसला नहीं है, हम इंची टेप की साइड से निशान लगा लेंगे। एक ये कर्व स्केल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। जब हमने ट्राउज़र्स की कटिंग करनी है तो उसमें ये लाजमी जो है वो यूज़ होता है। ये आप ले लें, इसकी इस साइड से भी हम जो है वो सीधी लाइंस लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने शुरू में सीधे वाले स्केल्स भी लाजमी लेने हैं, ठीक है। ये काम आपने करना है। अब देखें जी, मेरी मशीन जो है जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ, ये देखें, मैं आपको थोड़ी साइड करके दिखाती हूँ। यहाँ देखें जी, मैंने इस पे ये टेप लगाई हुई है। यहाँ थोड़ा कपड़ा फंस रहा था, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं इस पर काम कर रही हूँ, इस पे वीडियोस भी बना रही हूँ। और देखें, मैंने इसको ज़मीन पे रखा है, किसी टेबल पे नहीं रखा हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि टेबल है मेरे पास, और टेबल में भी मेरी एक मशीन जो है वो फिक्स है। लेकिन यहाँ मैं क्यों बैठती हूँ, क्योंकि मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ बैठी होती हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि उनको छोड़ के मैं टेबल पे बैठूँ, ठीक है। यहाँ बैठ के मैं वर्क कर रही होती हूँ इस जगह पे। ये कपड़ा है जो मेरी अक्सर वीडियोस में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे ये वीडियोस शूट हो रही होती हैं, यहाँ आयरन लगी हुई है। आप ये देख सकते हैं, काम की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आया, किसी ने ये नहीं देखा कि कहाँ बैठ के काम कर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से रश वैसे ही होता है मेरे पास, चाहे मैं किसी टेबल पे बैठ के करूं या मैं ज़मीन पे बैठ के कर रही हूं। वजह क्या है कि काम में नफासत है, हाथों में हुनर है, तो हर बंदा ही आपके पास आएगा। आप ये सोच के दिल थोड़ा नहीं करना कि मेरे पास बहुत हाई फाई चीज़ें नहीं हैं, मैं कैसे काम स्टार्ट करूं। तो कोई मसला नहीं है, बिगनर्स हैं, शुरू से हमने काम स्टार्ट करना है, बेसिक से हम शुरू होंगे। तो इन मामूली चीज़ों से ही हम अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब हम प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को मैनेज करना सीख लेंगे। अगर आपके हाथ में हुनर हो तो आप मामूली सी चीज़ों के साथ भी मैनेज कर लेते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपने बहुत हाई क्लास चीज़ें जो हैं वो परचेज़ करनी है, फिर ही आप जो है वो सिलाई सीख सकते हो, फिर ही आप काम कर सकते हो। ये उसको बनाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि आपको इस चीज़ की मैं नॉलेज दूँ कि ये क्लासेस जो स्टार्ट कर रहे हैं आखिर उसमें हमने करना क्या है। तो उसमें हमने सिंपली वाली स्टिचिंग नहीं सीखनी कि सिंपल एक शर्ट की मेजरमेंट कर ली, उससे हमने ड्रेस बनाना सीख लिया, ये काम हमने नहीं करना। हमने हर वो पॉइंट को सीखना है जो एक ख़राब ड्रेस को सही कैसे किया जाए, अगले बंदे के माइंड को कैसे पढ़ा जाए कि वो कैसे अपना जो है वो ड्रेस पहनना चाहता है, कैसे एक लिबास को पुरकशिश और बिल्कुल परफेक्ट बनाया जाए। हम इन चीज़ों पर वर्क करेंगे ताकि हमारा काम देखते ही नफासा जो है वो खुद बोले। पोस्ट मैंने लगाई थी कि सिलाई क्लासेस का आगाज़ किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इतने पॉजिटिव मैसेज आए आप लोगों के, इतनी दुआएं दी बहुत सी बहनों ने, इतनी हौसला अफजाई की मेरी कि मेरा खुद से दिल चाहा कि क्यों ना जो हुनर मेरे पास है, जो सलाहियतें हैं, जो पॉइंट्स मैं जानती हूँ सिलाई के बारे में, वो आप सबको भी बताए जाएँ। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी कॉस्ट नहीं है। बहुत से मैसेज आए जी क्या कॉस्ट है इसकी, क्या पेड क्लासेस हैं, तो बिल्कुल भी फ्री क्लासेस हैं, कोई पेड क्लासेस नहीं है। बस दुआएं चाहिए आप लोगों की, आप लोगों का साथ चाहिए, और इंशाल्लाह ताला हम इन क्लासेस को, इस चैनल को उस लेवल तक लेके जाएंगे कि हर बंदी के हाथ में हुनर होगा। आप लोग आगे तो बढ़ें, आप लोग ये सलाहियत तो खुद में पैदा करें आगे बढ़ने की, और इंशाल्लाह आसान लफ्ज़ों में, आसान टिप्स के साथ, हर उस ट्रिक्स के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी जो चीज़ें आप लोगों की समझ में नहीं आती। जस्ट आपने कमेंट करना है मुझे
अगर मेरी वो बहनें जो थोड़ी बहुत सिलाई जानती हैं उन्हें किसी चीज़ की वीडियो चाहिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो भी मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह शॉर्ट्स में मैं वीडियो बनाकर उनकी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये क्लासेस जो हैं बेसिक से स्टार्ट होंगी, ड्राफ्टिंग भी की जाएगी इनमें, आप लोगों को हर पॉइंट समझाने की कोशिश की जाएगी। इंशाल्लाह ताला आपका साथ रहा तो हम इस चैनल को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। कि जब तक इंसान एक दूसरे के साथ नहीं चल सकता, जब तक वो एक दूसरे को समझेगा नहीं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि हम लोगों की केमिस्ट्री मैच हो, हम एक दूसरे को समझ सकें, कि आप लोगों को मेरी बातें, मेरे समझाने का अंदाज़ समझ में आता है। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरे समझाने का तरीका, मैं जो चीज़ समझाती हूँ वो मुश्किल तो नहीं लगती, ताकि मैं और आसान अल्फाज में आपको बताने की कोशिश करूँ, गाइड करने की कोशिश करूँ। कि क्लास देने का मकसद यही था कि आपकी हौसला अफजाई की जाए, आपको अपने साथ एंगेज किया जाए। जब तक हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं होगी, हम इकट्ठा वर्क नहीं कर सकेंगे, आप लोग मुझे कभी नहीं समझ पाएंगे। इन बातों का मकसद ये था कि आपको पता चल सके कि नेक्स्ट क्लासेस में हम करने क्या जा रहे हैं, मैं सिखाना क्या चाहती हूँ, आप लोग सीखना क्या चाहते हैं, बेसिक से सीखना चाहते हैं। जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पर जाके पिक्स के साथ जो है वो अपना काम शेयर करना है। अगर उनको किसी चीज़ में मसला है तो वो भी उन्होंने पिक्स के साथ वहाँ शेयर करनी है। इंशाल्लाह ज़रूर आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखना है, और एक प्यारा सा कमेंट करना है ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके, मुझे पता चल सके मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे कितना जान चुके हैं, कितना वो मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, और उनको मेरे समझाने का अंदाज़ कितना बेहतर लग रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।